चीयर करने वाली पॉइंट मेरे ख्याल से बाजार की चाल में ही हमें दिखाई दी थी, लेकिन अब नए साल में ये जो चीयरिंग है कितनी बदलती हुई आपको दिखाई दे रही है, बाजार को लेके किस तरह का सेंटिमेंट है? इस बार लोगों का मूड अच्छा है, सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हुए है, एक आप बाहर निकल सकते हैं, एक नॉर्मल लाइफ फिर से दो साल के बाद जी सकते हैं, दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है तो लोगों के पास धंधा है, रोजगार है। हमारा ये मानना है कि जो मार्केट की जो बुल रन शुरू हुई थी लास्ट मार्च में, ये हम एक कस्प ऑफ द बुल रन पे हैं, अभी भी बुल रन की पूरी पोटेंशियल नहीं आई है, तो हमारा ये मानना है कि मार्केट की उतार चढ़ाव चलती जाएगी बट अगले एक साल तक ये नए साल में भी हमारा ये मानना है कि रिटर्न्स बनेंगी। धनतेरस, लक्ष्मी पूजा की दो दिन पहले ऐसा त्योहार जहाँ पर हम पूजा करते हैं लक्ष्मी माता की, हम पूजा करते हैं धन के देवता कुबेर की, धनवंतरी की और साथ ही यमराज की भी, लेकिन जहाँ तक धनतेरस की बात है, क्या कुछ किया जाता है? खरीदारी की जाती है, शुभ खरीदारी की जाती है और इसमें सोने चांदी खरीदारी होती है घर के बर्तनों के साथ। तो जहाँ तक सोने चांदी खरीदारी की बात है, मैं आ गई हूँ वामन हरी पेठे में, जहाँ पर जैसा कि आप सब माहौल देख ही सकते हैं काफी ज्यादा भीड़ भाड़ है और लोग जमकर शुभ खरीदारी कर रहे हैं, त्योहार की खरीदारी कर रहे हैं, शादी ब्याह के लिए भी खरीदारी कर रहे हैं। तो शो में आगे चलकर बहुत सारी बातें होने वाली है, सोने के दामों से लेके, सोने की खरीदारी से लेके, सोने में निवेश से लेके, लेकिन चलिए शो की शुरुआत में करना चाहती हूँ यहाँ पर मौजूद कुछ ग्राहकों से बात करके। और मेरे साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी महिलाएं शॉपिंग कर रही है, एक एक करके इनसे बात करते हैं। मैम गुड इवनिंग, मैं आपको देख रही हूँ आप खरीदारी कर रही है, वैसे उन्होंने बहुत खूबसूरत खरीदारी भी की है, मैं चाहती हूँ कि आप दिखाएं आपने अभी क्या क्या खरीदा है। ओके, सो आई परचेज्ड दिस नेकलेस, ओके, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल, आई लाइक दिस बिकॉज़ आई कैन वेयर इन सूट्स आल्सो, अच्छा, साड़ी आल्सो, ओके, कुछ शुभ खरीदारी की आज के लिए? अच्छा, लक्ष्मी माता ली है इन्होंने, गणपति ली है आपने, आप इनकी पूजा करेंगे आज आके? लक्ष्मी पूजन वाले दिन, लक्ष्मी पूजन वाले दिन। yes, yes. तो मुझे बताइए कि कैसा लग रहा है दिवाली में स्टोर में आके खरीदारी करना? यहाँ वामन हरी पेठे है तो एक विश्वास है, अच्छा, कि एक अच्छी जगह से ले रहे हैं, टेंशन नहीं है, एंड विल गिव इन फ्यूचर विल रिटर्न बैक, तो अच्छा अमाउंट मिलेगा, दैट इज व्हाई वामन हरी। तो सर मुझे ये बताइए, मैम ने अब तक कितने का बिल आपके लिए बना दिया? आई थिंक 50-50 तक हुआ होगा। अच्छा, इस बार ज्यादा नहीं है। अच्छा, इस बार ज्यादा नहीं है। मैम सुन रही है ना आप, इस बार अभी तक ज्यादा नहीं है। थोड़ा ऑलमोस्ट 90,000। अच्छा, कोविड को थोड़ा मद्देनजर रखते हैं, संभाल कर, ओके। लेकिन दो साल तो मैम ने कुछ खरीदा नहीं होगा ना ज्यादा, उसकी कसर तो निकालनी होगी। तो उसके लिए आपने प्रबंध किया है? प्रबंध किया है, किया हुआ किया है। चलिए, तो यहाँ पर जोर शोर से खरीदारी हो रही है, हैप्पी शॉपिंग एंड हैप्पी धनतेरस आप दोनों को, थैंक यू सो मच। और मैम की शॉपिंग यहाँ पर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, जब मैं इनसे बात करने आई ना शुरुआत में, तो ये अपने लिए बहुत खूबसूरत नेक पीस खरीद रही थी, मैं चाहती हूँ कि आप मैम का नेक पीस रेडी रखें, लेकिन तब तक आप मुझे बताइए आप एक स्पेशल नेक पीस की तलाश में यहाँ पर आई थी, वो क्या है? और अभी दिखाएंगे भी ये तो पता चलेगा क्या है। मैंने कॉरल्स का लिया है, अच्छा, नेकलेस, हाँ मेरे ख्याल से ये है वो जिसके आप बताएं इसके बारे में, आपकी स्पेशली धनतेरस का इंतजार कर रही थी खरीदारी का? ऐसे कुछ नहीं, लेकिन धनतेरस में तो खरीदी करते हैं, हाँ, तो मैंने कर लिया। और आप पकड़िए पहन के दिखाइए, बस गले में तो डालना है मैम,
वाह वाह, बहुत खूबसूरत लग रहा है आपके ऊपर। तो आप कुछ बजट ध्यान में रखकर आई थी? हाँ, नेचुरली बजट तो ध्यान में रखने का ही है। हाँ हाँ, तो बजट के अंदर है। हाँ, इसके अलावा कोई शुभ खरीदारी भी करेंगे? हाँ, मैंने किया, गोल्ड कॉइन लिया। गोल्ड कॉइन लिए है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, एंड हैप्पी धनतेरस आपको भी। अच्छा, यहाँ पर कुछ और भी है। हाय मैम, गुड इवनिंग। वाह, आप ये क्या खरीद रही हैं? मैं हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस। ये तो पंजा है ना शेर का? हाँ, तो मैंने ये खरीदा है। अच्छा, मैंने ऑर्डर दिया था। अच्छा, अभी आज तैयार हो गया, तो धनतेरस के मौके पे मैं लेने आई हूँ उससे। वाह, अच्छा तो आपने इसका ऑर्डर दे दिया था और आज धनतेरस के दिन, देखिए यहाँ पे शुभ खरीदारी होती है और लोग जो है पहले से प्री बुक भी करके रखते हैं और उसको आज डिलीवरी ली जाती है। सुंदर गणपति बनाया हुआ है। अच्छा, तो ये आप शेर के पंजे के अंदर आपने गणपति भी बनाए हुए हैं है। तो आपने ये बजट में ध्यान में रखते हुए बनवाया है कि कैसे? मैंने बुक किया था तभी तो भाव थोड़ा कम था। हाँ, कुछ 2000 का फर्क तो आ गया है। आ गया है, लेकिन फिर भी लेना तो था। तो भी लेती ही। अच्छा, तो भी लेते हैं। अच्छा, अभी तो 1.5 साल तो घर पे बैठे थे, तो कुछ खरीदारी हुई नहीं? नहीं हुई ना। अभी तो खरीदारी करनी है। हाँ, तो ये शुरुआत है खरीदारी की और मुझे यही पेठे से ही लेना अच्छा लगता है। वाह, तो अभी सारी पेठे द बेस्ट। में तो इसके आगे अभी और क्या क्या लेना है आपने? अभी तो शुरुआत, अभी तो आए हैं, लिया है अभी। अच्छा, देखते हैं और क्या-क्या, और क्या क्या है तो ले लेंगे। कितने का बजट? अच्छा, सोने खरीदारी के लिए कितने का बजट आपने रखा हुआ है? अभी तो मैंने 1.5 लाख का तो बजट रखा है। अच्छा, उसमें क्या खरीदारी कर सकते हैं? चलिए, शायद ऊपर नीचे हो जाए। हाँ हाँ, तो चलिए यहाँ पर 1.5 लाख का बजट रखा हुआ है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ पर एक कपल मेरे साथ और भी है। मैम गुड इवनिंग, हाय, आप क्या खरीद रही हैं बताएंगी? कान का वाली, धनतेरस के लिए दिखाइए। छोटा ये अपने हाथ में रख के दिखाइएगा, बहुत खूबसूरत। तो आज त्योहार के मौके पर ध्यान में रखते हुए आपने खरीदारी की है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, आपको लेना ही था। अच्छा, दिवाली के लिए क्या क्या तैयारियां हो रही हैं? अभी तो कुछ की नहीं, अभी शुरू है। अभी शुरू है आपकी। अच्छा, 2 साल दिवाली पे कैसे मनाई? नहीं, बराबर नहीं गई। बराबर नहीं गए ना, अब की बार अच्छे से मनाएंगे। मन है। थैंक यू सो मच बात करने के लिए, धनतेरस की शुभकामनाएं आपको। तो यहाँ पर आपने देखा कि लोग खरीदारी कर रहे हैं, उत्साह भी है बहुत ज्यादा, और कुछ लोग हैं जो बजट शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं हमने अभी अभी खरीदारी करनी शुरू की है, बजट तो खरीदते खरीदते बनेगा ही। लेकिन आपका बजट सोने के लिहाज से, सोने की खरीदारी के लिहाज से कैसे होना चाहिए, आपको किस तरह से निवेश करना चाहिए, किस तरह से आपको खरीदारी करनी चाहिए, ये बात हम समझेंगे। मेरे साथ मेरे मेहमान भी जुड़ गए हैं जिनसे अब मैं आपको रूबरू कराती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आशीष पेठे मेरे साथ है, चेयरमैन जीजेएफ, और साथ ही पार्टनर वामन हरि पेठे, रुंगटा सिक्योरिटीज के डायरेक्टर सीएसपी हर्षवर्धन रुंगटा, और निर्मल बंग सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च कमोडिटीज कुणाल जैन। आप सभी का बहुत बहुत, कुणाल शाह माफ कीजिएगा, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद चर्चा में आने के लिए। स्टोर तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके पास इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन, और इन टर्म्स ऑफ क्राउड भी मुझे बहुत अच्छी भीड़ दिखाई दे रही है। पिछली जो दिवालियां गई हैं उसके मुकाबले आपको किस तरह से फुटफॉल के लिहाज से और खरीदारी के लिहाज से ये दिवाली नई अलग लग रही है? आप सभी को और दर्शकों को दिवाली और धनतेरस की शुभकामनाएं। जैसा आपने सुना, पिछली 2 दिवाली थोड़ी लुकवार्म गई थी, और पिछली दिवाली तो पैंडेमिक के हिसाब से लोगों का मूड भी उतना था नहीं, लेकिन इस दिवाली में थर्ड वेव के आसार जैसे ही कम हो रहे हैं और वैक्सीनेशन बढ़ने के हिसाब से लोगों का मूड है कि चलो, ये बहुत दिनों के बाद एक ऐसा त्यौहार आया है जहाँ पे हम बाहर निकल के फेस्टिविटीज एंजॉय कर पाएंगे, और रेट्स भी 47-48 के आसपास से तो लोगों को कंफर्ट है। तो जो सीरियस बायर्स है वही बाहर निकले हैं। तो अगर आप देखने जाएंगे तो फुटफॉल शायद 10% कई जगह कम होगा, लेकिन जो सीरियस बायर है वो डिसाइड करके बाहर निकल के खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना टाइम्स में लोग ज्यादा भीड़ भाड़ जगहों में जाने का पसंद नहीं कर रहे हैं, तो जो डिसीजन करके फटाफट खरीदारी हो रही है। बिल्कुल। कुणाल शाह, कुणाल आपसे मुझे ये पूछना है कि लगातार आपसे बात होती रहती है सोने की कीमतों को लेकर, तो फिलहाल जिस तरह से हमें नरमी दिखाई दे रही है और जिस तरह की बाइंग अभी दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए दो चीजें हैं, एक तो लोगों ने दिवाली ठीक से बनाई नहीं, तो अब त्योहार इस समय पर आया है जहां पर वैक्सीनेशन, जैसा कि आशीष ने भी कहा कि अच्छी तरह से पूरा हुआ है, लोगों ने हिम्मत करके अब बाहर आए हैं, दुकान
दुकानदारों ने दुकानें खोली है, ग्राहक बाहर आके खरीदारी कर रहे हैं और साथ ही सोने की कीमतें भी यहाँ पर आपको सोने पे सुहागा एक मौका दे रही है कि आप जम के खरीदारी करें। लेकिन क्या ये माहौल आपको पूरे साल बरकरार दिखाई देगा, क्या कहेंगे? जी, पोस्ट पैंडेमिक जो डिमांड है, ज्वेलरी डिमांड जिसे हम लव डिमांड कहते हैं, इट इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज पेंटअप डिमांड है, दो साल से पीपल आर होल्डिंग बैक। पेंटअप डिमांड आप कह रहे हैं, आप भी पेंटअप डिमांड कहेंगे इसको? 50% पेंटअप डिमांड है और 50% जेन्युइन कंजम्पशन डिमांड है, तो पेंटअप डिमांड 50% ही गिनता हूँ। अच्छा, सो ये जो डिमांड बाहर निकल कर रहे हैं, सो ज्वेलरी डिमांड विच इज नॉट द मेजर प्राइस डिसाइडर फॉर गोल्ड आउटलुक, बट ये डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग रहने के लिए उम्मीद है नेक्स्ट 6 से 8 महीने। पिछले दो साल में नहीं थी? यस ऑब्वियसली, इन लास्ट 2 इयर्स वी हैव सीन शार्प ड्रॉप इन गोल्ड डिमांड स्पेशली ऑन द ज्वेलरी फ्रंट। सो लास्ट साल तो इन्वेस्टमेंट डिमांड स्ट्रॉन्ग थी, ये साल तो ज्वेलरी डिमांड भी स्टार्ट ऑफ द ईयर से मिड ईयर तक वीक रही और इवन इन्वेस्टमेंट डिमांड थ्रू आउट द ईयर वीक रही है। अच्छा। so, उसके कारण हमने गोल्ड के प्राइजेस पे एक नरमी आते हुए देखी है, बट मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स हमें ज्वेलरी डिमांड और इवन इन्वेस्टमेंट डिमांड, ये दोनों डिमांड इम्प्रूव होते हुए नजर आ रही है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं यहाँ पर डिमांड ज्वेलरी की गिरी थी लेकिन इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ी थी। इन्वेस्टमेंट डिमांड में पिछले दो सालों में लोगों ने कहाँ कहाँ कैसे कैसे निवेश किया है सोने में, ये बताएं। अब तक जो हो चुका है वो बताना। कविता, सोने में इन्वेस्टमेंट तो आप देखेंगे कम रहा एज कम्पेयर टू इक्विटीज नेचुरली, क्योंकि इक्विटी मार्केट ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, जिन्होंने निवेश नहीं किया वो चूक गए। और एक्चुअली जो मार्च 2020 में जो लॉकडाउन की वजह से 40% मार्केट गिरा था, उसके बाद जो शार्प रिकवरी हुई है, तो बहुत पैसा इक्विटी मार्केट में आया, बट आई थिंक अब ये मौका आ गया, प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। अगर हम देखेंगे तो मार्केट में लोग मार्केट लेवल से घबरा गए, कई लोग हैं जो ऐसे समझते हैं कि ऑल टाइम हाई पे है, तो क्यों ना हम थोड़ा प्रॉफिट बुक करें। और अगर प्रॉफिट बुक करके आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट वापस करना है, सो गोल्ड बिकम्स या प्रेशियस मेटल्स फॉर दैट मैटर, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, बिकम्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तो वो मौका आज हम देख रहे हैं कि गोल्ड में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रहा है उस हिसाब से। बिल्कुल, जहां तक गोल्ड खरीदारी की बात है, तो कुणाल कह रहे हैं कि ज्वेलरी की डिमांड में थोड़ा सा ड्रॉप आया था, लेकिन जहां तक मैं समझ रही हूं आपने अपने बिजनेस को ऑनलाइन काफी हद तक पुश किया, क्या आपको वहां पर क्राउड आता हुआ खरीदारी होती हुई दिखाई दी है? पिछले 1.5-2 सालों में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखा है कि जनरल पॉपुलेशन में ऑनलाइन खरीदारी की तरफ जो कॉन्फिडेंस था वो बढ़ा है, कि हर एक चीज़ों में ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट में कॉन्फिडेंस आ गया है, तो उससे हर एक कैटेगरी में ऑनलाइन में बढ़ गया है। सिमिलरली हम लोग सोने में या कॉइन्स और बुलियंस में डिमांड अच्छी देख रहे हैं, मल्टीफोल्ड भी लोग ऑनलाइन, सोना लोग ऑनलाइन खरीदने में काफी कंफर्टेबल थे, पहले नहीं थे, पिछले 1-2 साल में और बढ़ गए हैं। तो मल्टीफोल्ड इंक्रीज हम देख रहे हैं पूरे इंडस्ट्री में बुलियन के मामले में। और ज्वेलरी के मामले में थोड़ा इंटरेस्टिंग ये बात है कि जो पूरा ज्वेलरी बाइंग परचेज होता है उसमें जो एक्सप्लोरेशन का, सर्च करने का, डिजाइन सिलेक्शन का, वो 70-80% डिसीजन प्रोसेस अभी ऑनलाइन होता है। घर पे जाके चेक करते हैं, 10 ऑनलाइन साइट्स चेक करते हैं, डिजाइन डाउनलोड करते हैं, तो वो प्रोसेस 80% वो घर पे हो जाता है। और लास्ट का 10-20% जो टच एंड फील का मैटर रहता है, पहन के देखो और फाइनल सिलेक्शन, यस वो 15-20% एक्चुअल स्टोर में होता है। तो स्टोर वाला प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो गया है और कन्वर्जन बढ़ गया है। तो अभी क्योंकि दुकानें खुल गई हैं और त्योहारी मौसम भी है, एक तरह से लोग आ भी रहे हैं, जो कि लोग मिस भी कर रहे थे स्टोर पर आके खरीदारी करना, तो अब कितना ऑनलाइन से आपकी बिक्री हो रही है, कितनी ऑफलाइन में हो रही है? अभी भी ऑनलाइन इज अ स्मॉल पोर्शन, ऑल इंडिया अगर देखेंगे तो लो सिंगल डिजिट में टकावारी है, लेकिन आगे 1-2 सालों में आई थिंक इट विल गो टू 8-10%। बिल्कुल, और ऐसे में आप कह रहे हैं कि डिमांड बढ़ेगी, तो सोने की कीमतों को लेकर आप क्या कहेंगे? मुझे मैक्सिमम सोने की कीमत में, फॉरगेट अबाउट द इम्पोर्ट ड्यूटी का अगर आप पॉइंट रखिए साइड पे, जो गोल्ड की ड्यूटी है उसको छोड़ के इंटरनेशनल गोल्ड में डाउनसाइड बहुत लिमिटेड नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है ये जो पूरा साल इन्वेस्टमेंट डिमांड जो कम हुआ है वो नेक्स्ट साल बढ़ेगा, सेंट्रल बैंक्स की बाइंग भी नेक्स्ट साल बढ़ेगी गोल्ड में, और ये लास्ट 1.5 साल बहुत स्टेबल रहा था, इक्विटी मार्केट में रैली आई थी, सो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बढ़ गए थे, तो गोल्ड जैसी कमोडिटी ने लास्ट 6-8 महीने में अंडर परफॉर्म किया है। आने वाले टाइम में मुझे गोल्ड का आउटलुक नेक्स्ट 1.5-2 साल के लिए अच्छा लग रहा है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको 25-30% रिटर्न पर
नेक्स्ट टू ईयर्स गोल्ड विल बी एबल टू प्रोवाइड यू 8-10% एवरेज रिटर्न. क्या क्या प्राइस, आप प्राइस रेंज क्या देख रहे हैं? अभी फिलहाल 47,500 के आसपास चल रहा है. नेक्स्ट साल, नेक्स्ट दिवाली को आपको गोल्ड कंजर्वेटिवली 53,000 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने मिल सकता है. सो ओवरऑल गोल्ड में कोई बड़ी गिरावट नहीं आती, और कोई गिरावट आती है जैसे फेडरल रिजर्व टेपरिंग करता है और वो टाइम पे सेंटिमेंटली जो एक फॉल आता है, तो ऐसे टाइम पे आपको गोल्ड लेना चाहिए. और आपको गोल्ड कंजर्वेटिवली 10-12% रिटर्न तो देने के लिए है ही. पर कोई बड़ी अनसर्टेंटी नेक्स्ट साल आ गई है, कोई बॉन्ड मार्केट में प्रॉब्लम आ गया, चाइना में बड़ा स्लो डाउन आ गया, या ग्लोबल स्लो डाउन फिर से आ गया, तो ऐसे टाइम में तो शायद 15-20% भी रिटर्न दे सकता है. सो ओवरऑल गोल्ड का आउटलुक मुझे बहुत ब्राइट लग रहा है. तो ऐसे में मुझे बताइए कि अब क्योंकि जैसा कुणाल ने कहा कि कीमतें ऊपर जाएंगी, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट भी होना ही चाहिए. जो लोग अभी तक निवेश नहीं कर पाए हैं और अभी अगर शुरू करेंगे शो को देखने के बाद, मान लेते हैं किसी ने मन बनाया कि अपने पोर्टफोलियो में सोने को शामिल करें, तो किस माध्यम के जरिए निवेश करें, सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन सा माध्यम होगा? कविता, हमेशा से हमने कहा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं, गोल्ड ETF है, गोल्ड फंड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो बहुत कन्वीनियंट हो जाता है. और अगर आपको टच एंड फील चाहिए और एक घर में रखा हुआ कभी आपको ऐसे लगे तो खोल के देखना है, तब ऑब्वियसली गोल्ड कॉइन्स के रूप में ही लेना होगा. ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब आप अगर उसे समझें कि मैं ज्वेलरी ले लिया और फिर उसे इन्वेस्टमेंट के रूप में रख रहा हूँ और फिर कभी आगे जाते हुए बेच दूँ, नहीं होता है ये. क्योंकि एक बार आपने ज्वेलरी पहनना शुरू कर दिया वो वापस नहीं मिलती. आप पॉइंट पर आशीष के पास मुझे आना पड़ेगा बाद में, लेकिन आप अपनी बात पूरी कीजिए. कभी भी अगर आपने घर में घर की लेडीज को अगर ज्वेलरी दे दी वो वापस नहीं आती बेचने के लिए, सो वो इन्वेस्टमेंट रूप में नहीं तो वो इन्वेस्टमेंट रूप नहीं होता. आप कॉइन्स तो फिर भी कर सकते हैं कि भाई कॉइन्स आपने लिया है तो कभी बेचने निकल भी सकते हैं उसे. और इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप लेते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हो गया, गोल्ड ETF या गोल्ड फंड्स हो गए, तो वो इतना लगाव नहीं बनता उससे, वो टच एंड फील नहीं होता, तो कभी बेचने में ना उतना दुखता नहीं है. और हिस्टोरिकली अगर इंडियंस में देखें ना तो बोलते हैं सुना बेचा नहीं जाता, बिल्कुल नहीं. बोलते हैं बुरे वक्त का साथी है, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स. तो उसमें कभी सुना बेचने जाते हैं ना तो ऐसे लगता है कि क्या जरूरत है. तो प्योर इन्वेस्टमेंट अगर आप बात करें, इलेक्ट्रॉनिकली पेपर गोल्ड विल बी मच बेटर. लेकिन ऑफ कोर्स एक गोल्ड का चार्म जो हाथ में लेने का होता है, कॉइन्स का होता है, घर में रखा हुआ होता है, वो एक अलग मैटर है. बिल्कुल. और मेरे ख्याल से यहाँ पर इसीलिए ज्वेलरी बाइंग जो है वो कभी कम नहीं होगी, आप यही कह रहे हैं? आई वुड डिफर लिटिल, बिकॉज जब आप कहते हैं लॉन्ग टर्म, अगर आपको 3-5 साल में लेना है तो ज्वेलरी का जो घड़ाई आप देते हो 10-15%, वो लॉन्ग टर्म में इट बिकम इनसिग्निफिकेंट. उसमें जो इंट्रिंसिक सोने का वैल्यू है दैट बिकम्स द मेन एसेट, नंबर वन. नंबर टू, आप जो कह रहे हैं वो सही है, बट दैट इज फॉर फाइनेंशियली लिटरेट पीपल. आज इंडिया में फाइनेंशियली इलिटरेट बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए गोल्ड और ज्वेलरी बिकम्स अ नेचुरल वे ऑफ इन्वेस्टिंग, नेचुरल वे ऑफ सेविंग. और वो धीरे धीरे, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डू बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं. मणि मंत्रा और ईटी नाउ स्वदेश, यहाँ पर गोल्ड को निवेश के लिहाज से आपको देखना चाहिए, कैसे अपनी पूरी पोर्टफोलियो प्लानिंग में इसको शामिल करना चाहिए, वही हमारा उद्देश्य है आपको समझाने का. लेकिन हाँ, ज्वेलरी भी नहीं खरीदे ऐसा हम नहीं कह रहे हैं. और लॉट ऑफ पीपल डू लाइक SIP, हर महीने थोड़ा थोड़ा सोना खरीद लेते हैं. और बेचते कब है? जब वो एसेट क्लास चेंज करते हैं. जब सोने से निवेश निकाल के कोई प्रॉपर्टी में डालते हैं, दूसरा बड़ा कोई एसेट लेते हैं, तभी सोना बेचते हैं, राइट? लेकिन वो इन्फ्लेशन हेज होने के कारण जब बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट करना है, सो गोल्ड गिव्स यू दैट बफर एंड दैट सेफ्टी. बिल्कुल. लेकिन सोने के अलावा हम चांदी की भी यहाँ पर बात करेंगे, क्या सोने की जितनी भागेगी? जी, सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत बेटर है, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, सोलर पैनल जिस सेगमेंट है उसमें डिमांड अच्छी है. बट एट द सेम टाइम जो लास्ट साल सिल्वर में जो अपसाइड देखी थी, वो माइंस बंद हो जाने के कारण सिल्वर का प्रोडक्शन ड्रॉप हो गया था, उसके कारण हमने बड़ी अपसाइड देखी थी सिल्वर में. सो ये साल धीरे धीरे प्रोडक्शन लौट के आ रहा है. सो सिल्वर इतना ज्यादा एग्रेसिव बुलिश मुझे सप्लाई साइड से नजर नहीं आ रहा है. लास्ट साल की तेजी वॉज कम्प्लीटली बिकॉज ऑफ द सप्लाई साइड इश्यू, वो धीरे धीरे सॉल्व हो रहे हैं. कोविड के कारण जो साउथ अमेरिका में जो माइंस बंद हो गई थी, वो माइंस अभी फिर से स्टार्ट हो रही है. सो सिल्वर इज नॉट लुकिंग दैट अट्रैक्टिव, बट द डिमांड साइड, इंडस्ट्रियल डिमांड साइड, स्पेशली इन द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड द सोलर पैनल्स, लुक्स फेयरली अट्रैक्टिव. सो जब गोल्ड बढ़ेगा तो सिल्वर बढ़ेगा, पर ऐसा नहीं लग रहा है कि सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म करेगा. अच्छा, गोल्ड को आउट परफॉर्म करता हुआ आपको नहीं
दिखाई दे रहा, तो इन्होंने एसेट एलोकेशन का यहाँ पे जिक्र किया था। एसेट एलोकेशन के लिहाज से क्या सोने को, क्योंकि कुणाल कह रहे हैं कि कीमतें बढ़ेंगी, थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा दें? वेल, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप 10-15% तो एनी वेज रखने वाले हैं, और अगर अभी आपकी अगर इक्विटी वैल्यूएशन या डेट की वैल्यूएशन बढ़ी है तो ऑटोमेटिकली आपका एलोकेशन बढ़ जाता है यहाँ पर, इन रुपी टर्म्स बता रहा हूँ। तो यस, और अगर बहुत सारी केसेस हम अभी देख रहे हैं जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है स्टॉक मार्केट से, तो अगर वो आप बुक कर रहे हैं ये देखते हुए कि आगे वॉलिटिलिटीज रहने वाली है, अनसर्टेनिटी रहने वाली है, तो जब भी मार्केट्स में अनसर्टेनिटी या वॉलिटिलिटी होती है गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं। तो अगर हम ये कोलैबोरेट करें और ये देख रहे हैं जो कुणाल ने कहा कि अगर हम 10% भी अप्रिसिएशन देख रहे हैं, 10% अप्रिसिएशन इज अ वेरी गुड अप्रिसिएशन, मतलब आपको डेट प्रोडक्ट्स में इतना रिटर्न नहीं दिख रहा है। तो अगर डेट एलोकेशन की अगर आप गोल्ड एलोकेशन भी कर रहे हैं तो इट्स नॉट बैड, क्योंकि आपको अगर 5-6% रिटर्न डेट में मिल रहा है, इनफ लिक्विडिटी गोल्ड में है, जब चाहो ओवर द काउंटर बिक जाता है आपका। सो आई थिंक एक कॉम्बिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेट एलोकेशन में आपको अगर रिजेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन इक्विटी की प्रॉफिट बुकिंग करके अगर ओवरऑल एसेट एलोकेशन कर रहे हैं तब ऑटोमेटिकली आपका गोल्ड का एलोकेशन बढ़ने वाला है। सो जस्ट कीप दीस 2-3 पैरामीटर्स अगर माइंड में रखें ना तो डेफिनेटली, और हम त्यौहार के टाइम में बात कर रहे हैं, फेस्टिवल्स के टाइम में बात कर रहे हैं जहां ऑलरेडी मूड बना हुआ है गोल्ड खरीदने का। बिल्कुल, और गोल्ड में भी क्या खरीद रहे हैं वो आप मुझे बताइए डिटेल में। मैंने बहुत सारे लोगों से यहाँ बात की है, मुख्य तौर पर सब कह रहे हैं कि हमने बुक कर लिया था और हम धनतेरस के दिन इसको पिकअप करने आए हैं, भले वो फेस्टिव खरीदारी हो या शादी ब्याह के लिए भी उन्होंने ऑर्डर किए हो। तो ज्वेलरी खरीद रहे हैं या शुभ खरीदारी हो रही है कॉइन्स की, गिन्नियों की, जो आमतौर पे लोग खरीदते हैं, क्या खरीद रहे हैं? ये हमने बहुत सालों से देखा है कि जब मुहूर्त का डे होता है जैसे दशहरा हो या धनतेरस हो, तो उस दिन थोड़ा इन्वेस्टमेंट या कॉइन्स का डिमांड में स्क्यू थोड़ा ज्यादा आ जाता है। और ओवरऑल सीजन में, इस सीजन में मैं देख रहा हूँ कि एक अलग ट्रेंड है कि लाइट वेट ज्वेलरी भी चल रहा है और थोड़ा हैवी वेट जो वेडिंग फोकस ज्वेलरी आता है वो दोनों साइड बाय साइड हाथ में हाथ लेके चल रही है। और दूसरा ये हम देख रहे हैं कि पैंडेमिक के बाद लोगों का ये सोचना था कि शायद डायमंड की तरफ लोग नहीं जाएंगे, लेकिन पैंडेमिक के तुरंत बाद से हम डायमंड में मूवमेंट देख रहे हैं और पूरा एक साल और आगे भी डायमंड का मूवमेंट और परसेंटेज बढ़ते हुए हम सोच रहे हैं। तो अभी यहाँ पर लोग सोना भी खरीद रहे हैं, चांदी भी खरीद रहे हैं, कितना कितना खरीद रहे हैं सोना चांदी? सोना ज्यादा होगा? हाँ, सोना ऑब्वियसली जनरली इंडिया का मार्केट देखेंगे तो अबाउट 85-87% इज गोल्ड मार्केट और बाकी सिल्वर और डायमंड का है। डायमंड इज अराउंड 8-10%, इन सम मार्केट इट गोज अप टू 15-20%, बट अदरवाइज 85% इज गोल्ड एंड रेस्ट इज बैलेंस। तो अब अगर कुणाल आपको कोई ट्रेडर देख रहा हो इस वक्त, क्योंकि आपने बोल दिया है कि जो कीमतें हैं वो 53 या 54 तक जा सकती हैं, तो अब ऐसे में कोई रणनीति बनाई जाए? मेरी राय में 46,500 के आसपास कोई भी छोटा मोटा ये फेडरल रिजर्व का जो टेपरिंग स्टार्ट होगा तो थोड़ा बहुत गोल्ड पे प्रेशर आएगा, तो आपको गोल्ड में बाइंग करनी चाहिए। इसमें एक ही जो पॉइंट है कि इंडिया में अगर ड्यूटी कम हो गई तो इतना गोल्ड कम हो जाएगा, बट दैट इज गोइंग टू बी यूनिवर्सल फॉर ऑल, सो उसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम मुझे नहीं नजर आ रहा। सो 2,000 रुपए गिरेगे तो सबके लिए गिरेगे, फॉर एग्जांपल ड्यूटी, सो ड्यूटी का क्वेश्चन साइड पे अगर रखे तो मुझे डेफिनेटली गोल्ड बहुत अच्छा नजर आ रहा है। कंजर्वेटिवली अगर फॉर एग्जाम्पल 2,000 रुपीज ड्यूटी कट होती है तो 50,000-50,500, और ड्यूटी कट नहीं होती है तो 52,500-53,000 के रेट आपको नेक्स्ट दिवाली तक देखने मिलेंगे। ऐसे कौन कौन से ट्रिगर्स हैं जो आपने रडार पे रखे हुए हैं जो कीमतों पर इम्पैक्ट करेंगे? अनसर्टेनिटी पूरे वर्ल्ड में, जो हमने ग्रोथ है वो पीक ग्रोथ आते हुए देख लिया है, लास्ट 2 क्वार्टर में जो ग्रोथ आया है पूरे वर्ल्ड में वो पीक हो गया है और यहाँ से आगे ट्रबल टाइम दिख रहा है। सो आगे जाके ग्रोथ अगर नहीं आ रही है तो सडनली ETF में से ये साल 250 टन का हमने आउटफ्लो देखा है। सो लास्ट साल हमने 2020 में 750 टन का इनफ्लो देखा था, तो इंक्रीमेंटल लॉस ऑफ डिमांड इज 1,000 टन दिस ईयर। सो इसमें से 300-400 टन भी डिमांड वापस आती है ETFs की, तो आई थिंक गोल्ड विल रियली शूट अप, सो दैट इज द बिग ट्रिगर। कोई भी चाइना में स्लोडाउन अगर होता है, चाइना में प्रॉब्लम है या US का ग्रोथ स्लो होता है तो इन्वेस्टर विल सडनली, सो गोल्ड की डिमांड ज्वेलरी से डिसाइड, ज्वेलरी की डिमांड अगर ज्यादा है या ज्वेलरी की डिमांड कम है दैट इज नॉट अ डिसाइडिंग फैक्टर फॉर गोल्ड प्राइसेस। इन्वेस्टर गोल्ड लेने आ रहा है कि नहीं, जो फियर फैक्टर है वो आ रहा है कि नहीं, और फियर फैक्टर अगर आता है नेक्स्ट साल तो ये जो मैं 52 बोल रहा हूँ वो शायद 55 भी हो सकता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई। बट ओवरऑल जो हमारे निवेशकों को, जो हमारे व्यूअर्स है उनको ये दीपावली के दिन पे मैं यही कहना चाहूंगा कि ये गोल्ड में आप निवेश कीजिए, इवन इफ
समझो बढ़ते भी नहीं है प्राइजेस तो भी ऐसा नहीं हो जाने वाला कि गोल्ड 35,000 हो जाने वाले। बिल्कुल निवेश कीजिए, और हर्ष जैसा शुरुआत में बता चुके हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए ही आपको निवेश करना है। इसकी अलग अलग किश्तें आती हैं मेरे ख्याल से जिसमें निवेश कर सकते हैं। एक तो अभी इशू बंद हुआ है, अब नेक्स्ट आपको ये नवंबर एंड में वापस एक इशू आएगा उसमें आप कर सकते हैं, नहीं तो उसके अलावा भी आप खरीदना चाहते हैं तो एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। सो लिक्विडिटी कम है ऑफकोर्स, लेकिन जो प्रीवियस इशूज हैं वो ऑलरेडी लिस्टेड हैं तो हो सकता है यस तो कि क्योंकि लिक्विडिटी कम है आप एक लोअर कोट कर दें, मान लीजिए 47,500 का रेट है, आप वहाँ पे 46,500 कोट करके रहें, ये किसी को लिक्विडिटी चाहिए वो आपको बेच के चला जाएगा तो स्ट्रेट आपको अपफ्रंट प्रॉफिट वहाँ भी हो सकती है। तो मेरे पास अभी एक ही मिनट रह गया है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम त्योहार के मौके पे आए हैं, धनतेरस के मौके पे आए हैं, तो ये सब अपनी अपनी बीवियों को क्या गिफ्ट करने वाले हैं मुझे ये पूछना है। आप तो मेरे ख्याल से कुछ भी गिफ्ट कर सकते हैं। क्या सर आई मिस्ड योर क्वेश्चन, आप शुभ खरीदारी क्या करने वाले हैं धनतेरस के दिन? सोने का सिक्का और चांदी का सिक्का एज अ शगुन अपने धर्मपत्नी को देंगे। नहीं नहीं मंदिर में रखेंगे, धर्मपति तो खुद आके सिलेक्ट कर लेते हैं, हम चॉइस ही नहीं रहते। अच्छा कुणाल, मैं शुभ खत्म होते ही आशीष भाई की दुकान से कुछ ना कुछ शुभ मेरी छोटी बेटी के लिए लेना प्रेफर करोगे? आप एसआईपी नहीं करोगे? लेकिन एसआईपी तो हम मेरा ओवरऑल इन्वेस्टमेंट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में, बट लाइक फिजिकल गोल्ड हैज इट्स ओन वैल्यू, सो ये आज के दिन लेना चाहिए। बात है आप लेकिन फिजिकल गोल्ड की अपनी एक वैल्यू तो है, आप क्या खरीद रहे हो? वही कॉइन्स और जो बात कर रहे हैं वो आज के दिन तो वही होता है, बाकी जो रेगुलर शॉपिंग होती है वहाँ पूछा नहीं जाता, सो वहाँ हमसे नहीं पूछा जाता। चलिए तो यहाँ पर कुल मिला के हमने देखा है कि धनतेरस और एक त्योहारी माहौल जिस तरह से हमें पूरे देश में अब दिखाई दे रहा है, और इसका तो मैंने आपको एक छोटा सा जायजा दिया है, लेकिन बाहर और भी कई जोर शोर से और जमकर खरीदारी हो रही है, माहौल अच्छा है, मूड अच्छा है, लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। बस सबको हम यही कहना चाहते हैं कि आप अपने बजट में रह के खरीदारी करें, क्योंकि दिवाली से दिवाली तक भी तो आपको जाना है, आपको अगली दिवाली में भी बहुत सारी चीजें खरीदनी है, तो फिलहाल जमकर दिवाली बनाएं, धनतेरस के दिन आप शुभ खरीदारी भी करें, लेकिन जो भी करें अपने रिस्ट्रिक्शन और बाउंड्रीज के तहत करें, और हाँ इस त्योहार का बहुत अच्छे से आप फायदा उठाएं और मजे लें। इसी के साथ मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।